मिस्र के इब्राहिम हमदू ने 10 साल की उम्र में एक ट्रेन दुर्घटना में अपने दोनों हाथ खो दिए थे। आप सोचते होंगे कि बड़े होते हुए वह कभी खेलों में भाग नहीं ले पाए होंगे। हाथ ना होने के बावजूद इब्राहिम जापान के टोक्यो में हो रहे 2020 पैरालंपिक खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि बिना हाथ वाला आदमी ओलंपिक में कैसे भाग ले सकता है, आपको विश्वास नहीं है ना, वीडियो देखिए। आपने वीडियो देखा, कितना प्रेरक है। इब्राहिम ने कहा, मैं क्लब में था जहां मैं अपने दो दोस्तों के बीच एक टेबल टेनिस मैच में अंपायरिंग कर रहा था। जब मैंने एक बिंदु को उसमें से एक के पक्ष में गिना तो वे उस पर सहमत नहीं थे। जब मैं अपने पैसे पर कायम रहा तो दूसरे खिलाड़ी ने मुझसे कहा, हस्तक्षेप मत करो क्योंकि तुम अपनी विकलांगता के कारण कभी भी नहीं खेल पाओगे। यह वही बात थी जिसने मुझे टेबल टेनिस खेलने का फैसला करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपनी दिव्यांगता के कारण खेलने के कई तरीकों के बारे में सोचा। फिर उन्होंने बैट को अपने दांतों के बीच पकड़ना और अपने पैरों से गेंद को सर्व करना सीखा। इब्राहिम ने 2004 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेबल टेनिस खेलना शुरू किया और तब से अब तक कई पदक जीते हैं। बहुत प्रेरणादायक है ना? यह इस बात का प्रमाण है कि व्यक्ति को चाहे कितनी भी दिव्यांगता क्यों ना हो, उसे अपने सपनों को नहीं छोड़ना चाहिए। लोगों को इब्राहिम की तरह अपने सपनों के लिए काम करते रहना चाहिए।